डॉक्टर साहब अहादीस में और क्या साहबा ने भी बनाया, लोग ये सवाल पूछते हैं कि अब ये शुरू हो गया है नऊज़ुबिल्लाह, और बाज समझ की बात होती है, मैं किसी को एक्यूज़ नहीं करता, ये फरमाएं कि साहबा ने मनाया मिलाद। जी इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ में बड़ी मुस्तनद हदीस मौजूद है जी, बहकी ने उसको शुआब ईमान के अंदर भी जिक्र किया है कि एक मौका पर मस्जिद नबी शरीफ में ऐसा ही इज्तिमा मुनक़िद था, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ लाए तो आपने सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से पूछा, मा अजलसकुम, ये जलसा कैसा है, किस मोहब्बत ने तुम्हें बिठा रखा है, मौजू सुखन क्या है। वो तो फर्श पे बैठ के अर्ज की खबरें देते हैं, लेकिन आपके पेश नजर हिकमतें यही थी कि आज मेरे लिए से मेरे सहाबा जो जवाब देंगे मैं तस्दीक करूंगा, तो वो क्यामत तक लोगों के लिए एक जवाब बन जाए, तालीम बन जाए, तालीम उनकी हो जाएगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब दिया, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। यानी जवाब का खुलासा ये बनता है कि फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या और क्या चाहिए, हम जलसना बैठे हैं, नदउल्लाह खुदा को पुकार रहे हैं, वनहमदुहु उसकी तारीफ कर रहे हैं, अलामा हदाना लिदीनिना कि उसने इस दीन की हमें हिदायत दी, वमन्ना अलैना बिका और महबूब तुम्हारे सदके हम पे कर्म किया, आप की आमद से जो हम पर एहसान हुआ है हम उस एहसान का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी पर अल्लाह ताला का शुक्र, यही महफिल मिलाद है। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब इस मौजू की महफिल का इनेकाद कर रहे थे, वो जलसा ना फजाइल नमाज का था ना मसाइल ज़कात का था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह के शुक्र की अदायगी का जलसा था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जवाब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बाकायदा इस पर हलफ लिया कि वाकई तुम इस मकसद के लिए बैठे हुए थे, तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने बाकायदा कसम उठाई, वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिक, खुदा की कसम हम इसी मकसद के लिए बैठे हुए थे, हमारा और कोई मकसद नहीं था। इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से जो हलफ लिया, क्योंकि उस पर भी कह सकता था कि अगर उन्हें पता था तो हलफ क्यों ले रहे थे, अगर इतना इल्म था तो आपने उसी महफिल मिलाद में इस एतराज का जवाब भी दिया, फरमा लम अस्तहलिफकुम तुहमा, जो मैंने आपसे हलफ लिया है वो शक की बुनियाद से हलफ नहीं लिया, मुझे यकीन था कि जो तुमने बताया वाकये के मुताबिक वही है, लेकिन असल में तुम्हारा एक इनाम आया हुआ था मेरे पास, मैं उसको बांटने से पहले तुमसे इकरार करवा रहा था, जा अनी जिब्रील अखबारानी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस जलसे पर रब्बुल जलाल ने सिदरा से जिब्रील अलैहि सलाम को मेरे पास भेजा है, और जिब्रील अलैहि सलाम मुझे बता के गए हैं अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, रब्बुल जलाल तुम्हारे इस जलसे की बुनियाद पर फरिश्तों के सामने फखर कर रहे, अल्लाह फखर कर रहा है कि मेरे महबूब का तस्करा हो रहा है, दूसरे लफ्जों में कि ऐ फर्श जमीन पर महफिल मिलाद मनाने वालों, अर्श बरी पे रब तुम्हें याद कर रहा है, खालिक कायनात की तरफ से बाकायदा फखर किया गया उस इज्तिमा पर जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह के शुक्र की अदायगी के लिए जिसका इनेकार। सुभान जी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।